इट्स मेगा इवॉल्विंग व्हाट। हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक कॉन्सेप्ट ट्रेलर देखने वाले हैं जिसके अंदर भाई बहुत कुछ हम लोग को दिखाया गया है। मतलब यार ये एक फैन मेड ट्रेलर है ऑफकोर्स, लेकिन यार पॉकीमैन कंपनी इसको अगर फ्यूचर में अप्लाई करती है तो यार ये बहुत मस्त लगेगा। तो हाँ भाई, सीधा चलते उसे ट्रेलर के ऊपर निंटेंडो स्विच के अंदर लेके चलो हम लोगों को। भाई साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल लग रहा है कि असलियत है। ओ ब्रो, ओ भाई ग्राफिक्स देख रहे हो कितने मस्त लग रहे हैं। मतलब हम लोग होप कर सकते हैं पॉकीमैन कंपनी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट फ्यूचर में अपने मतलब मेन गेम्स के अंदर लाए। भाई लेजेंड आर्केस के बिल्कुल टक्कर वाली ग्राफिक्स है। मतलब ये एनिमेशन भाई बहुत मस्त लग रही है अभी तो। ओके लेट्स सी अभी नेक्स्ट सीन क्या होता है। एक्सपीरियंस द रीजन लाइक नेवर बिफोर। ऑल राइट, ओ ओके अगर ऐसा राइट फीचर हो ना, मतलब लेट्स को पिकाचू, लेट्स को ईवी के अंदर भी था, बट कुछ ऐसा हो ना अंडर वाटर टाइप का, तो भाई असलियत में बहुत मजा आएगा। एंड ये देखो भाई, हाँ ये चीज मुझे एक्चुअली देखना है पॉकीमैन गेम्स के जब हवा में उड़ रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ ऑफिशियली हुआ नहीं है। एंड जो ये पर्सपेक्टिव चेंज है, यही भाई बहुत मस्त है। पर्सपेक्टिव चेंज तुम लोग भाई समझ ही रहोगे। ऑलराइट, तो इसके कॉन्सेप्ट हिसाब से भाई ये सब यहाँ पे क्या है, ये मूव्स है नहीं, ये पार्टिकल्स है। ओके इसको हम लोग इक्विप कर सकते हैं पॉकीमॉन्स पे, जस्ट लाइक ऐसे शॉर्ट एंड शील्ड में था। हाँ ये कुछ ऐसे लग रहा है ना, जैसे शॉर्ट एंड शील्ड के आइटम स्टोर में होता था, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है ये तो। ऑलराइट, अभी मैं आगे वेट कर रहा हूँ, आगे अभी होगा क्या एक्चुअली। ओके भाई अभी देखा है तो भाई बहुत सारे इसमें मस्त मस्त फीचर्स है। ओ भाई बिल्कुल सिनेमेटिक शॉट थे ये। ऑलराइट, क्या ये जिम है, क्या ये जिम है एक्चुअली, ये सब जिम्स है। What took you so long? मैं एक्चुअली इस चीज के लिए वेट कर रहा हूँ भाई, जब यहाँ पे वॉइस एक्टिंग होगी पॉकीमैन गेम्स के अंदर। एंड ऐसी टाइप की फाइटिंग भाई, हाँ ऐसी फाइटिंग देखने में भाई एक्चुअली मजा आता है। लेकिन एनिमेशन में भाई बहुत टाइम लगेगा मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी यार पॉकीमैन कंपनी कुछ ऐसा एग्जीक्यूट करे तो भाई ये बहुत सही रहेगा। ये पॉकीमैन मूव्स कर रहे हैं, फिर यहाँ पे पॉकीमैन की एनिमेशन दिखाई जा रही है। ओ इट्स मेगा इवॉल्विंग व्हाट। ओके ये कोई और फॉर्म है या मेगा इवोल्यूशन है। ऑलराइट ऑलराइट, ये कोई और फॉर्म होगा जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं ये मेगा इवोल्यूशन है भाई, कितना सही लग रहा है ये फैन मेड मेगा इवोल्यूशन। एम्पोलियन मेगा इवोल्व। ओहो ब्रो ये एक्चुअली बहुत मस्त लग रहा था। ओके अब नेक्स्ट सीन के ऊपर हम आते हैं। शामिन, ऑलराइट शामिन यहाँ पे क्या कर रहा है, अब देखते हैं इसके साथ क्या स्टोरी यहाँ पे एक्चुअली है। आगे बढ़ भाई, ये क्या है, डेस्टोवेशन वर्ल्ड का रास्ता। हाँ ये डेस्टोवेशन वर्ल्ड था। ऑलराइट ही भाई यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स डेस्टोवेशन वर्ल्ड किया थी ना, कि ये डिज़ाइन बहुत डोप लग रही है, एक्चुअली बहुत डोप लग रही है। तुम लोग अपने ओपिनियंस बताना कि अगर एक्चुअली ऐसा होता है, मतलब पॉकीमैन कंपनी अगर फ्यूचर में कुछ ऐसे ग्राफिक्स गेम लाती है तो लोगों को कैसे लगेगा। वेल एक्चुअली सभी को बहुत मज़ा आने वाला है कुछ ऐसा आए तो। लेकिन भाई इस बंदे ने जिसने भी ये एनिमेशन की है, बहुत मस्त काम किया भाई इसने। ओके नेक्स्ट सीन अभी और बाकी है, मुझे लगा खत्म हो गया, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। ओके यहाँ पे साइड मिशंस होंगे लेजेंडरी कैच करने के लिए आई गेस। ओके ओके हाँ डार्क्राई, हाँ डार्क्राई से हो भाई। इस बंदे ने बहुत मस्त एनिमेशन बनाई है, लेकिन क्या इस कॉन्सेप्ट को पॉकीमैन कंपनी कभी अप्लाई करेगी। वेल ये तो देखने वाली बात थी, फ्यूचर में भाई ऐसा हो सकता है। जैसे कि तुमने PS4 एंड PS5 के गेम्स भी देखा होगा, एंड उस लेवल के गेम्स भाई निंटेंडो बना सकती है। निंटेंडो के पास भी भाई ऐसे एनिमेटर्स है, ऐसे प्रोग्रामर्स है कि भाई वो ऐसा काम कर सकते हैं। वेल हाँ अब तुम लोग मुझे अपने ओपिनियंस बताना कि भाई तुम्हें क्या लगता है पॉकीमैन अपने फ्यूचर गेम्स के अंदर कुछ ऐसा अप्लाई कर सकती है कि नहीं। तो भाई आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। आज शाम एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम होने वाली है, जो हमने 40 की स्पेशल लाइव स्ट्रीम मान सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से हम लोग उस लाइव स्ट्रीम के अंदर ही 40 के हिट करेंगे, तो हाँ वो भी इंटरेस्टिंग होगा, तुम लोग उसके अंदर भी आना। सो यार मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज इट गैलेक्सी साइनिंग आउट।